स्वागत है आप सबका फैक्ट टीवी इंडिया में। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे 15 रोचक तथ्य चंद्रशेखर आजाद के बारे में। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था। उनका वास्तविक नाम चंद्रशेखर तिवारी था। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी था, जो बदरगांव जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। उनकी मां का नाम जगरानी देवी था। चंद्रशेखर आजाद का प्रारंभिक जीवन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में स्थित भाबरा गांव में बीता। चंद्रशेखर आजाद मात्र 17 वर्ष की आयु में क्रांतिकारी दल हिंदुस्तानी रिपब्लिकन एसोसिएशन में सम्मिलित हो गए। उन्होंने दल में प्रभावी भूमिका निभाई। चंद्रशेखर आजाद ने प्रसिद्ध काकोरी कांड में सक्रिय भाग लिया। सैंडर्सवर्थ सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह द्वारा बम फेंकना, वाइसरॉय की ट्रेन बम से उड़ाने की चेष्टा, सबके नेता वही थे। में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया तो उन्होंने उसमें सक्रिय योगदान दिया। चंद्रशेखर आजाद के ही सफल नेतृत्व में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया। चंद्रशेखर आजाद अपने साथ हमेशा एक माउजर रखते थे। यह पिस्टल आज भी इलाहाबाद के म्यूजियम में रखी हुई है। चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों के हाथों ना मरने की कसम खाई थी और इसे निभाया भी। सत्ताईस फरवरी 1931 को जब चंद्रशेखर आजाद अपने साथी सुखदेव राज के साथ एल्फ्रेड पार्क में बैठकर विचार विमर्श कर रहे थे तो मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उन्हें घेर लिया। बहुत देर तक आजाद ने जमकर अकेले ही मुकाबला किया। उन्होंने अपने साथी सुखदेव राज को पहले ही भगा दिया था। आखिर में उनके पास केवल एक आखिरी गोली बची। उन्होंने सोचा कि यदि मैं यह गोली भी चला दूंगा तो जीवित गिरफ्तार होने का भय है। उन्होंने आखिरी गोली स्वयं पर ही चला दी। इस घटना में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हो गई। जिस पार्क में चंद्रशेखर आजाद की मौत हुई थी उसका नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद पार्क रख दिया गया। चंद्रशेखर आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। उन्होंने साहस की नई कहानी लिखी। उनके बलिदान से स्वतंत्रता के लिए आंदोलन तेज हो गया। हजारों युवक स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। आजाद सदैव एक शेर बोला करते थे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। आजाद के शहीद होने के 16 वर्षों के बाद 15 अगस्त सन 1947 को भारत की आजादी का उनका सपना पूरा हुआ। धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारी बाकी वीडियोस को देखना ना भूलें। धन्यवाद।